तो इसके अनबॉक्सिंग के साथ मैं इसका सारा वेरिफिकेशन और इसका वो बताता हूँ स्पेसिफिकेशन, जो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के वेरिएंट में 3 कलर ऑप्शन में आता है। तो इस 3 कलर ऑप्शन के साथ ही ये मिलेगा। और ये मोबाइल मुझे बजट मोबाइल में है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। टेक्नो का ये मोबाइल जो है फ़ोन एंड्रॉयड 13 बेस पे है, एंड्रॉयड 13 बेस्ड, HEIOS 12.6 आउट ऑफ द बॉक्स। टेक्नो का यह फ़ोन एंड्रॉयड 13 बेस्ड, HEIOS 12.6 आउट ऑफ द बॉक्स पर रन करता है। तो इस 3 कलर ऑप्शन के साथ ही ये मिलेगा। और ये मोबाइल मुझे बजट मोबाइल में है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। टेक्नो का यह मोबाइल जो है फ़ोन एंड्रॉयड 13 बेस पे है, एंड्रॉयड 13 बेस्ड, HEIOS 12.6 आउट ऑफ द बॉक्स। टेक्नो का यह फ़ोन एंड्रॉयड 13 बेस्ट, HEIOS 12.6 आउट ऑफ द बॉक्स पर रन करता है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन में 6.8 इंची का फुल HD+ डिस्प्ले है, जिसका 2400 रेजोल्यूशन के साथ 2400 और 1080 के साथ रेजोल्यूशन के साथ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 270 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। कमाल है। टेक्नो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में सेंट्रल अलाइड सिंगल पंच होल कटआउट दिया गया है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फोन मीडिया टेक हेलियो G88 SoC चिपेस्ट के साथ आता है, जिसमें 8 GB LPDDR5 रैम और 8 GB की वर्चुअल रैम दी गई है। इस फोन के रियर पैनल में ट्रिपल कैमरा दिया गया है, इस ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और प्राइमरी सेंसर विद LED फ्लैश और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसमें ड्यूल LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। तो दोस्तों, ये रहा अनबॉक्सिंग रिव्यू और इसका स्पेसिफिकेशन। और ऑनलाइन मैंने इसको मंगवाया, बहुत अच्छा मोबाइल है, डिज़ाइन अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसको हम यूज करने वालों को दिए हैं तो यूज करके बताएं कि इसका जो माइक होता है यानी स्पीकर होता है, वो थोड़ा आवाज़ लाउड आवाज़ नहीं है और कम आवाज़ में है, थोड़ा उसका क्वालिटी अच्छी नहीं है। बाकी मोबाइल की क्वालिटी, रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और सब कुछ सही है, कैमरा भी उस हिसाब से सही है। और रहा यह मोबाइल का डिज़ाइन, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं। नीचे खुली ना, किसी एक खोले के बाद ही चली हुई इसको।
मेगापिक्सल। बत्तीस पचास है सोलह 256 यानी 8-8 दी हुई है। नहीं 8 एक्सटर्नल बनाए थे कफोर को रेम को बढ़िया बनाया हुई है। कितने को 400 539 साल के गारंटी आई जी नहीं बची है। आई जी नहीं कहाँ फाइल जी चलेगी वो खुलवा जैसे अलग हो कार्टून में बनाए थे सर लूट ले कार्टून में इतना सुंदर बनाया ये है कौन तो नहीं मोबाइल का मॉडल हो अच्छा बनाया था आईफोन का बनाया याद आप फिर मंगाया है का वही को वही सर्वो मंगाए का नाम हो तेरे को बोल रहे हो तो घरे का बना है कौन हुआ है। अच्छा दिया है टाइप सी चार्जर फोन में तो बढ़िया है टाइप सी चार्जर के साथ टाइप सी तो टकनो दो सौ वाले मोबाइल लेंगे और कुलिया कैम पे रहे पता नहीं कहाँ लेते हैं ये शुरुआत के दिन चाहिए ना फिर से यानी एयरफोन के नोकिया ये शुरुआत किया रहा नोकिया बंद की नोकिया कहाँ बंद की ये दूसरा दूसरा कंपनी बंद किया रहा चलिए इसका कुछ समरी जान लेते हैं। जो तीन वेरिएंट तीन कलर वेरिएंट में है स्टेरी ब्लैक पेरल वाइट मैजिक स्किन ब्लैक एंड वाइट मैजिक मेजेंटा। इस मेगापिक्सल का रियर ग्लोइंग सेल्फी कैमरा है 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर रियर कैमरा तीन कैमरा के साथ है और 5000 एमएएच की सुपर बैटरी है जो प्लस 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ को सपोर्ट करता है। G88 गेमिंग प्रोसेसर है और 6.8 फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले है वो कवर है और एंड्रॉयड 13 प्लस पे HiOS 12.6 पे ये चलता है और 256 GB का रोम प्लस 16 GB रैम एक्सटेंडेड 8 GB रैम यानी 8 8 16 हो गया और इसका और थिकनेस जो है 8.64 mm डिस्प्ले साइज का 6.8 फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रेजुलेशन है 1080 प्लस 2460 रेजुलेशन हेलियो G88 ऑक्टा कोर 5000 mAh की टाइप की फास्ट चार्जर के साथ बैटरी 18 वाट सपोर्ट करता है।
नेटवर्क 2G, 3G, 4G, GPS, Wi-Fi, FM, ब्लूटूथ, OTG, NFC सब है जो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी है। कैमरा इंटरफेस 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो डुअल फ्लैश के साथ है, और 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल रियर कैमरा विथ डुअल फ्लैश। मिटी सेंसर, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा, इन बॉक्स में फोन है, चार्जर केबल है एक और चार्जर है। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। एंड्रॉइड नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी जो बात करें तो इसका 2G, 4G, 3G, GPS, Wi-Fi, FM, ब्लूटूथ, OTG, NFC है, 5G मोबाइल नहीं है भाई ये। साथ चलता रहा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आप गल्फ कंट्री में हैं तो आप के लिए बजट मोबाइल अच्छा है, यूजेबल है, आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है, रैम अच्छा मिल जाता है, रिफ्रेश रेट इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है 90Hz का बहुत बेहतर चल रहा है। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, हमने पहले 2-3 बार ख़रीद के दे चुके हैं, फिर ये तीसरा बार ये मोबाइल मंगवाया हूँ। बहुत से लोग जो कामगार होते हैं, जो वर्कर्स हैं, जिसके लिए बजट मोबाइल, अच्छा मोबाइल चाहिए, उनके लिए बेहतर हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ये आपको नून पे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है और बेटर मिल रहा है, सर्विस भी अच्छा है। नून पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे आपका कोई दिक्कत हो तो रिटर्न भी होता है और अच्छा सर्विस देता है, जल्दी डिलीवरी करता है, डिलीवरी भी अच्छा है। इसलिए नून से मैं मंगवाया 3 बार और इस बार भी मंगवाया हूँ। बहुत से लोग इसको मंगवाते हैं, बजट मोबाइल के साथ साथ बेहतर मोबाइल, बेहतर फीचर के साथ, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 50 मेगापिक्सल कैमरा पीछे और 3 कैमरे के साथ है, रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ, और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, डिज़ाइन भी अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा बहुत कॉपी किया हो आईफोन का। बस देखने के लिए, यानी बजट में है तो आपको दिल खुश करने के लिए तो अच्छा ही है, आपका दिल भी खुश हो जाएगा, डिज़ाइन भी अच्छा है, बेहतर है, मोबाइल लेने लायक है, चलाने लायक है और है, मजबूत है, ठीक ठाक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और ये बताएं कि आपको कितने तक में मिल रहा है। ये 539 रियाल का पड़ रहा है, यहाँ 540-541 तक का पड़ जाता है कलर वेरिएंट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।